दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। IPC 294 क्या कहती है इसके बारे में आप जान लेते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर जो भी नए नए वीडियो हैं अपलोड होते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके। IPC 294 क्या कहती है, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करता है, अश्लील गाना गाता है या अश्लील गीत गाता है या अश्लील शब्द बोलता है, तो उस व्यक्ति को 1 महीने की सज़ा से लेकर 3 महीने की सज़ा तक हो सकती है या आर्थिक दंड या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन उसकी क्या कंडीशन रहेगी, मान लो कोई भी व्यक्ति पार्क हो, सार्वजनिक स्थान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी आसपास इस प्रकार का कृत्य करता है। मान लो जैसे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं वहाँ पर अश्लील गाना गाता है या अश्लील गीत भी गाता है या अपने मोबाइल से अश्लील गीत गलत हरकतें करता है या अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, उस प्रकार के व्यक्ति को IPC की भारतीय दंड संहिता की 294 IPC में स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता पाया जाता है या इस प्रकार की हरकत करते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जिसमें 294 IPC में ये लिखा है कि कितने साल की सजा है उस व्यक्ति को अगर इस प्रकार का कृत्य करता है, इस प्रकार की हरकत करता है। मान लो किसी भी प्रकार के अपशब्द, गाना, गाली गलौज, अश्लील हरकतें, ये सारी चीज़ें 294 IPC के अंदर आती है। अगर वो इस प्रकार के कृत्य में शामिल होने वाले व्यक्ति भी, जैसे सामूहिक तौर पे 2-5 व्यक्ति बैठ के इस प्रकार का कृत्य, वो भी सारे व्यक्ति इस IPC 294 की धारा के अंतर्गत अपराधी बन सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और उन्हें 1 महीने से, 1 अवधि से 3 महीने या इससे भी ज़्यादा इस सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और उनका कैरियर खत्म हो सकता है, सरकारी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। इस प्रकार मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है उस व्यक्ति को सख्त से सख्त जुर्माना प्लस दंडित दोनों से किया जा सकता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस प्रकार का कृत्य ना करें जिससे आपको जेल जाना पड़ सकता है या जेल जाना पड़े। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।